लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत माता की, मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मेरे साथ इस बुलेटिन में हिमानी नथानी भी मौजूद है और इस वक्त बड़ी जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। वो तारीख सामने आ चुकी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, तो हैट्रिक जीत की है सरकार, जो अब एक तरह से उस बड़े मैंडेट के साथ शपथ ले सकते हैं। जो आपको खबर बता दें, जो डेट निकल कर सामने आ रही है वो 8 जून की है और माना जा रहा है कि 8 जून को शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री। जो सूत्रों से इस वक्त हम जानकारी आपको बता रहे हैं, वो तारीख जिसकी ओर इंडिकेशन मिल रहा है हिमानी, वो 8 तारीख है। बिल्कुल, तो 8 तारीख आ चुकी है सामने, जब तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। अभी इस वक्त पीएमओ में जो बैठक है वो भी चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं, और इसी को लेकर दरअसल जो बैठक है, जो मंथन है, वो चल रहा है। आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा, क्या कुछ नीति दिशा, क्या कुछ किस तरह से रहेगा, वो यहाँ देखने वाली बात होगी। लेकिन तारीख सामने आ चुकी है, जिस तरह से श्वेता ने भी आपको बताया। और बड़ी खबर जो इस वक्त एक और आ रही है वो ये कि दिल्ली पहुंचे हैं एचडी कुमारस्वामी, एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए तमाम नेताओं का पहुंचना इस वक्त जारी है। श्वेता, इससे पहले हमने देखा नीतीश कुमार पहुंचे हैं, तमाम और भी लोग उनके साथ पहुंचे हैं, चिराग पासवान, साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचने वाले हैं। एचडी कुमारस्वामी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, हमारे देखिए जो घटक दल है, चूंकि एनडीए की मीटिंग है आज, और इसलिए जो घटक दल है वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हमने तस्वीरें नीतीश कुमार की भी दिखाई थी, पहुंच गए हैं दिल्ली वाले आवास पर। गाड़ी की अगली सीट पर आपने बैठे हुए देखा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार पर इस वक्त सबकी निगाहें हैं, एनडीए की बैठक में शामिल होने के वाये हैं जो शाम को 4 बजे है। ये भी माना जा रहा है कि वो जो समर्थन पत्र है वो भी आज दे देंगे, और जैसा कि आप बता रहे थे कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण भी संभव है। तो इस बीच नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें, नीतीश कुमार जो दिल्ली में उनका आवास है के कामराज लेन पर, वहाँ अभी हमने आपको दिखाया उनका गाड़ियों का काफिला अंदर पहुँच गया है। अब वो कुछ समय यहाँ पर विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे। 4 बजे जो बैठक है एनडीए की, उसमें वो हिस्सा लेंगे। सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर इसलिए हैं क्योंकि पूरी तरह से जो खाली बीजेपी है उसे अपना बहुमत नहीं मिल पाया है अपने अकेले पार्टी के तौर पर, और इसीलिए उनको सहयोगियों की जरूरत है। तो इसलिए अब नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें हैं। 12 सीटों वाली पार्टी नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार फिलहाल अंदर हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं, एयरपोर्ट पर भी उन्होंने कहा कि सरकार तो बनेगी ही, सरकार तो बनेगी ही, और रिएक्शंस भी आ रहे हैं वो भी हम लेने की कोशिश करते हैं। बिहार के जनता ने 2/3 बहुमत हम लोगों को दिया है और केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी, और आज की मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री आप कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। हम मीटिंग में जा रहे हैं, की मीटिंग में जा रहे हैं, और इसलिए बड़े व्हाई यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये इतने बड़ा मैंडेट बिहार के जनता ने एनडीए को बिहार में दिया है, 2/3 बहुमत दिया है। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार से आप लोगों की बातचीत कल हुई थी, कितनी सच्चाई है? मैं इस सब पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये सब स्पेकुलेशन मीडिया में चलता रहता है। आज मुख्यमंत्री जी आए हैं और आज एनडीए के मीटिंग में शामिल होंगे। डिमांड क्या होगी आपकी, संजय जी डिमांड क्या होगी? ही इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, दैट्स इट। संजय जी फ्लाइट में कोई बात हुई क्या? बातचीत नहीं है, आज की मीटिंग में एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए के साथ हम लोग हैं। बिहार में जनता ने इतने बड़ा मोहर लगाया है हम लोगों के डिसीजन पर, इतना बड़ा विक्ट्री दिया है बिहार में, और फिर रेस्ट बाद में आप लोगों के साथ करेंगे। तेजस्वी यादव फ्लाइट में साथ में थे, क्या कोई बात हुई है? जवाब में दिया है संजय जायसवाल, जो नीतीश कुमार के साथ ही आए हैं दिल्ली, और वो कह रहे हैं कि सरकार तो बनेगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, सरकार बनेगी ही, सरकार तो बनेगी। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं, हमने आपको तस्वीरें दिखाई और बातचीत भी हमने सुनी है। तो फिलहाल सबकी निगाहें हैं और बार बार आश्वस्त किया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से। संजय जायसवाल को आपने सुना कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो बनेगी ही और हम तो साथ है ही, और हम अपना समर्थन जताने के लिए एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। तो अभी तक कोई स्पेकुलेशन नहीं है, नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि वो एनडीए के साथ ही हैं, एनडीए के साथ ही हैं। और नीतीश कुमार जब पहुंचे दिल्ली तो उन्होंने पहला बयान भी दिया है।
तो दिल्ली पहुंचने के साथ नीतीश कुमार का ये बयान सामने आया है। नतीजों के बाद नीतीश का ये बयान है, सरकार तो जरूर बनेगी। नीतीश कुमार जो जेडीयू जिसको 12 सीटें मिली और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण घटक दल है बिहार से इस वक्त पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और हिमानी, वो कह रहे हैं सरकार तो बनेगी। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनके जो नेता हैं उनका पहुंचना इस वक्त यहां पर जारी है, क्योंकि 4 बजे श्वेता बैठक ये होनी है। और हमारे सहयोगी वैभव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो एक तरफ तो जमावड़ा लगा हुआ है, उधर एक के बाद एक आना जारी है वैभव, लेकिन जिधर आप हैं इस वक्त लोक कल्याण मार्ग पर वहां पर भी एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है, तारीख अभी निकलकर सामने आई है 8 जून जब शपथ ले सकती है नई सरकार, और क्या कुछ चीजें और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल हिमानी, इस वक्त दिल्ली में हलचल बहुत तेज है और हम इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। मेरे पीछे संजीव एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर जो गाड़ियों का लंबा काफिला इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा और लंबी गहमा गहमी के बीच नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकते हैं, न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि 4 से 4:30 बजे का वक्त होगा जब एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी। लेकिन जब नीतीश कुमार से एयरपोर्ट पर यह सवाल पूछा गया सरकार को लेकर, तमाम सवाल वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स पूछ रहे थे और नीतीश कुमार उन सवालों के जवाब में सिर्फ इतना कहते हैं कि सरकार तो बनेगी, यानी कि यहां पर भी उन्होंने स्पष्ट संकेत किसी एक तरफ को लेकर नहीं दिए हैं। और यही वजह है कि जो थोड़ा बहुत सस्पेंस है उसका होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। लेकिन अब लगभग ये कहा जाए कि इस जो तमाम रस्साकशी थी, इस तमाम रस्साकशी से अब लगभग पर्दा हट चुका है। एनडीए की बैठक के बाद ये बिल्कुल तय हो जाएगा कि इस बार एक बार फिर से एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है। चुनौतियां इस लिहाज से थी क्योंकि बीजेपी को फुल मैंडेट जो है वो नहीं मिला और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार ऐसा मौका है, क्योंकि 2019 की हम बात करें या फिर 2014 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। इसके पहले गुजरात के जो चुनाव हुए विधानसभा के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन सभी चुनावों में पूर्ण बहुमत मिला। यह पहला ऐसा मौका है जब किसी प्रधानमंत्री जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं या फिर जिस चुनाव का वो नेतृत्व कर रहे हैं उसे पूर्ण मैंडेट नहीं मिला है। चुनौतियां जरूर थी, लेकिन इन चुनौतियों के बीच जब कल देर रात प्रधानमंत्री आते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच संबोधित करते हुए जिस सकारात्मकता के साथ वो नजर आते हैं वो ये बताती है, ये दिखाती है कि दिशा जो है। वैभव, आप लगातार प्रधानमंत्री आवास से जो अपडेट होगा वो हमें आप बता रहे हैं, लेकिन हिमानी ये बिल्कुल क्लियर है जिस तरह का मैंडेट आया है उससे बीजेपी को भी अब सोचना पड़ेगा कि आखिर वोट कटे क्यों है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर यह उम्मीद शायद नहीं की होगी बीजेपी ने, लेकिन वहां पर भी उसको डेंट लगा है। जैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर हम यहां पर बात करें, क्या आखिर वजह इसके पीछे रही, क्यों आखिर यहां से वोट घटा, उस पर भी हम दिखाएंगे एक रिपोर्ट। लेकिन वैभव के साथ जुड़े हुए इस वक्त ऐश्वर्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। जी वैभव, हमानी बिल्कुल, अभी तक आपने ब्रेक कर दिया होगा कि 8 तारीख को सूत्रों के हवाले से स्वेरिंग इन होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की, एनडीए की सरकार, इसको मोदी 3.1 कहा जा रहा है। लेकिन एनडीए एक आपको खबर और दे देते हैं कि बिल्कुल हमारे ठीक पीछे, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कैमरा जरा मूव करेंगे, ये अभी तक काफिला हिला नहीं है प्रधानमंत्री के आवास के बाहर। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का ये जो आप सफेद टोयोटा इनोवास और स्कॉर्पियोज का काफिला देख रहे हैं, ये गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का काफिला है। बैठक अभी भी जारी है, हमको बताया जा रहा है 4 बजे जो एनडीए की बैठक है उसके अंदर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ओम
प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल सो लार्जर एनडीए, एनडीए की बैठक 4 बजे होगी, जिसके बाद यह डिसाइड होगा कि क्या कल सुबह 10:45 पे, क्योंकि एक टाइम ब्लॉक किया गया है राष्ट्रपति के कैलेंडर में सुबह 10:45 पे, वैभव क्या एनडीए का एक डेलीगेशन जाएगा और अपना सपोर्ट, यानी एनडीए के जो 295-304 जितने भी उनके सांसद हैं उनकी लिस्ट दी जाएगी और उसके बाद टाइम सीक किया जाएगा 8 तारीख का, क्योंकि 9 तारीख को हिमानी आंध्र प्रदेश में स्वेरिंग इन है। चंद्रबाबू नायडू के सूत्रों के हवाले से क्लियरली बताया गया है, टीडीपी के सूत्रों के हवाले से, दैट वो चाहते हैं कि दिल्ली की स्वेरिंग इन या दिल्ली का जो भी है वो पहले सॉर्ट हो जाए और उसके बाद वो एक क्लियर, वो चाहते हैं कि जो भी नया प्रधानमंत्री हो वो उनकी स्वेरिंग इन में 9 तारीख को आंध्र प्रदेश आए, वहाँ आए, और इसीलिए ये 8 तारीख का जो डेट आ रहा है ये वहाँ से आ रहा है, क्योंकि टीडीपी वांट्स द न्यूली इंडक्टेड प्राइम मिनिस्टर टू बी प्रेजेंट इन द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द न्यूली इंडक्टेड चीफ मिनिस्टर, दैट इज गोइंग टू बी चंद्रबाबू नायडू। सो वो बहुत ज़्यादा आयरोनिकल है। और एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये समा हम 2014 से पहले ज़्यादा देखते थे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि दर्शकों को ये एक मिलेगा, एक फीलिंग मिलेगी कि 2014 से पहले ऐसे हेक्टिक पार्लेस पूरे दिन, जैसे कि आज वैभव और मैं पूरे दिन रिपोर्टिंग करते रहेंगे, जैसे ही ये बैठक खत्म होगी यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा आने वाले हैं और जब वो बैठक खत्म होगी तो उसके बाद तेलुगु देशम के चीफ और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों यहाँ पे पहुँचेंगे, तो हम लगातार सबसे पहले खबर आपको देते रहेंगे। लेकिन यह है कि आज एनडीए की 4 तारीख की खबर, 4 बजे की बैठक के बाद आप देखेंगे कि यहां से एक डेलीगेशन या तो आज ही या कल सुबह राष्ट्रपति भवन जाएगा। बैक टू इन द स्टूडियोस। बिल्कुल, और ऐश्वर्या आप हमें बड़ी जानकारी वहां से दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो डेट जो माना जा रहा है 8 जून को जब शपथ ले सकती है एनडीए की सरकार तीसरी बार, ये जानकारी आप दे रहे हैं। पल पल वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं। एक और खबर है, इसके लिए सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का प्रियंका के पास। प्रियंका वो चाहिए, और इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दें, एकनाथ शिंदे मुंबई से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए और एनडीए में शामिल होंगे, ऐसी खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए एनडीए की नीतीश कुमार शरीक होंगे, चिराग पासवान होंगे, एनडीए संगठन के तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं की मौजूदगी होगी। और ये खबर मुंबई से भी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे मुंबई से रवाना हो चुके हैं राजधानी दिल्ली के लिए और यहां पर एनडीए की बैठक में शरीक होंगे। खबर ये भी है कि देखिए सूत्रों के हवाले से कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन इसी बीच आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायने इस बैठक के निकाले जा रहे हैं, इसमें मंथन होगा और उस मंथन के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, किस एक मजबूत स्ट्रेटजी पर, रणनीति पर एनडीए जो संगठन है वो पहुंचता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। और ऐसे में एक खबर मिल रही है, अलग अलग राज्यों से अगर हम बताएं, बिहार से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जब नीतीश कुमार सुबह बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हुए, उसमें चिराग पासवान भी थे और लगातार उन्होंने कह दिया है सरकार तो बनेगी। और ऐसे में अभी जानकारी मिल रही है मुंबई से, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और एनडीए की बैठक में शरीक। बिल्कुल।